गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू बेटा? ऑल आर फाइन? ओके, तो चलो टाइम न वेस्ट करते हुए हम हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ से छोड़ा था हमारा क्लास? यस, पेज नंबर 114 है ना, हम लोग रिविज़न कर रहे थे क्योंकि 14 दिसंबर से क्या है हमारा एग्ज़ाम है। ओके, अब पेज नंबर 114 के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कितने हैं? 10। 5 हमने सॉल्व कर लिए थे, आज की क्लास में हम दूसरे 5 सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? आर यू रेडी विथ योर नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर? ओके, क्यों हमें नोटबुक लेना है? यस, क्योंकि यहाँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो किस तरह से हमें आंसर फाइंड करना है उसका मेथड राइट करना है। ओके, तो चलो 6 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? यस, 6000, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, 6565 है ना, रीड करना है सभी को 6565, देन माइनस आंसर इज द 0। ओके, अब क्या आएगा? चलो ऑप्शन राइट कर लेंगे हम। ऑप्शन है हमारा 0, देन बी इज 1000, सी ऑप्शन 65, वेरी गुड, एंड द डी ऑप्शन इज 6565। अब बहुत इजी है, चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर इसका। यस, कंफ्यूजन है तो चलो, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 6556 माइनस और आंसर में आया है 0। तो अब ऐसा कौन सा नंबर हम इसमें से माइनस करेंगे कि आंसर हमें 0 मिलेगा? देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर हम 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर में? यस, सेम नंबर मिलेगा, है ना। फिर क्या करना है, ये करके देखो, आया नहीं आया 65, नहीं आया, फिर है ना। चलो एक बार करके देखते हैं, चारों ऑप्शन 6565 माइनस 0 है ना, हमारा आंसर क्या है? 0 है। यहाँ पर क्या आएगा आंसर में हमारे? 5656 आएगा क्या ये ऑप्शन? नहीं आएगा। अब 1000, अब अगर हम इसमें से 1000 माइनस करते हैं, ये हमने 1000 माइनस कर दिया, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 0 5, देन 6 माइनस 1 5, आया आंसर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए? 0 चाहिए। ओके, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब है 65, माइनस करो, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, 5 एज इट इज, देन 6 एट इज, आया आंसर? नहीं आया। अब डी ऑप्शन क्या है हमारा? हाँ, रीड करना है 6565 है ना? अब चलो करो, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारा जो आंसर 0 है वो हमें यहाँ मिल रहा है ना। बहुत ही सिंपल था बेटा, ये ध्यान में ही रखना है, अगर हमारे आंसर में 0 आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसी नंबर में से हम इसी नंबर को माइनस करेंगे, है ना। जब दिए हुए नंबर में से ही हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी नंबर को माइनस करेंगे, जब हमें आंसर मिलेगा 0, है ना। 6565 में से जब हमने वही नंबर माइनस किया तो हमें आंसर मिला 0। तो अब हमें ये नंबर फाइंड करना था, है ना, तो वो कौन से ऑप्शन में है? यस, डी ऑप्शन। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
विच डिजिट इन द नंबर 2307 इज एट द 1000 प्लेस. ओके, हमारे पास में नंबर दिया हुआ है और आंसर में पूछा है हमें कि 1000 की प्लेस पे कौन सा नंबर दिया हुआ है. ए ऑप्शन है हमारा 2, बी ऑप्शन इज द 3, सी ऑप्शन इज द 0 एंड द डी ऑप्शन इज द 7, है ना. अब सभी को 1000 की प्लेस पता है, चलो राइट डाउन कर लो. 1, 10, 100, 1000 नंबर राइट करो. 7, 0, 3, 2 कौन सा नंबर आया 1000 की प्लेस पे? यस 2, है ना. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि 2 डिजिट जो है वो कौन सी प्लेस पे आई है? 1000 की प्लेस पे, है ना. और हमारा आंसर, हमें क्वेश्चन वही पूछा गया था. ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज. अब देखो, जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट मीन्स यस आंसर, है ना. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, है ना. प्रोडक्ट कहते हैं हम उसे. ओके, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 8. अब लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था, हमने इसी में हमने देखा था कि हमने 4 डिजिट नंबर में से जब 0 को मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या आंसर मिला था? 0 मिला था, है ना. अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर दिए हुए हैं क्या? नहीं. तो चलो हम नंबर ले लेंगे. ओके, सो हम नंबर ले लेंगे 836, है ना. अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? यस, 1 से मल्टीप्लाई करना है. चलो करो मल्टीप्लाई. 1, 6 is 6, 1, 3 is 3, 1, 8 is 8, सेम आंसर. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब फिर वो 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट नंबर हो, जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में वही सेम आंसर मिलेगा. प्रोडक्ट है ये हमारा, है ना, और ये सेम हमें आंसर मिलेगा. ओके, तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? यस, ए ऑप्शन, द नंबर 8 सेल्फ. ओके, अब नंबर 9 क्वेश्चन. 95 राउंड्स ऑफ 2. अब 95, 9 नंबर का क्वेश्चन. 95 राउंड्स ऑफ 2. अब 95 जो है वो किसके पास में आएगा? अब 50 के पास में आएगा, 90 के पास में आएगा, या 100 के पास में आएगा, या 150 के पास में आएगा? चलो बताओ किसके पास में आएगा. हाँ, 50 के पास में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुत दूर हो जाएगा. आएगा? नहीं आएगा. 90? नहीं. 100? यस, 90 और 100 के बीच में 95 आएगा, है ना. 90 और 100 के बीच में 95 आएगा, इसलिए वो किसके पास में आएगा? 100 के. तो क्या आएगा आंसर हमारा? सी. ओके, समझ में आया 9 नंबर का? राइट टिक किया सभी ने? ओके, नाउ लुक एट द 10th क्वेश्चन. 10th इज द डिवीजन, है ना. बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा. क्या करना है हमें? 0 डिवाइडेड बाय 56 इज
इक्वल टू, है ना। क्या करना है हमें, ज़ीरो को 56 से डिवाइड करना है। अब ए ऑप्शन में है ज़ीरो, बी ऑप्शन में टू, सॉरी बी ऑप्शन में वन, सी ऑप्शन इज द टू एंड द डी ऑप्शन इज द 56। है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब चलो करो, क्या आएगा आंसर, यस ज़ीरो, है ना, आएगा ना ज़ीरो। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, यस ए ऑप्शन। ओके, तो सभी को समझ में आया पक्का। तो बेटा देखो, आज की क्लास में हमने जो हमारे बचे हुए 5 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए। अभी आपको कोई कंफ्यूजन है नहीं है, है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। हमने यहाँ इस पेज नंबर 114 पर जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उन्हें बराबर प्रॉपरली सॉल्व कर लिए हैं। आपको अब समझ में भी आ गया है कि किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, है ना। तो फिर से मैं आपको क्या करूँगी कि अब जो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इन्हीं से रिलेटेड आपको और दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो अब वो दूसरे क्वेश्चंस कौन देखेगा, यस, तो वो दूसरे क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ही राइट करने हैं। अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए हो तो आपको ये आने चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर डिजिट जो है वो चेंज करने हैं, क्वेश्चन में ही रखना है, सिर्फ हमें डिजिट चेंज करना है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी सॉल्व करेंगे। तब तक की क्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, तब तक नेक्स्ट क्लास आने तक, यस, ये जो हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होमवर्क में सॉल्व करेंगे और टेबल्स लर्न करेंगे। आई होप कि आपको 20 तक टेबल्स लर्न हो गए होंगे, है ना। तो आप सभी को 20 तक टेबल्स लर्न करने हैं। आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो अभी आपको 20 तक टेबल्स आने ही चाहिए। ओके बेटा, तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।